हेलो बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग 1 जून 2023 का SIFT 3 का CUET बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। इसका 1 से लेके 25 तक का क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम लोग 26 से लेके 50 तक के वीडियो को क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके हम एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड। इसने पूछा है जो बायोडाइवर्सिटी की लेवल्स होती हैं उसमें क्या इंक्लूड होता है। ए जीनेटिक डाइवर्सिटी एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सी दिया है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड जीनेटिक डाइवर्सिटी, और डी दिया है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जीनेटिक डाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी में है उसमें तीनों इंक्लूडेड होता है, इकोलॉजिकल, स्पीसीज और जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो हमारा ऑप्शन सी ये करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है अरेंज द स्टेप्स ऑफ ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग इन सिक्वेंसली। जो प्लांट ब्रीडिंग में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको एक सीक्वेंस में, एक जो है सही ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। ये 5 सीक्वेंस दिए हुए हैं, इवोल्यूशन ऑफ हाइब्रिड ए, बी है इमेस्कुलेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स, सी है स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लास्ट, डी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स, और ई दिया है रिलीज ऑफ हाइब्रिड वेराइटी। तो इन्हें हम अरेंज करते हैं सही ऑर्डर में। तो जो पहला होगा वो होगा सी, स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लास्ट। देन जो सेकेंड होगा वो होगा बी, इमेस्कुलेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स। देन हमारा डी होगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स। देन ए, इवेल्युएशन ऑफ हाइब्रिड्स। और जो लास्ट में होगा होगा ई, रिलीज ऑफ हाइब्रिड वेराइटी। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस हुआ था। हमारा जो ऑप्शन सी है वो उस हिसाब से ये करेक्ट होगा क्योंकि तो दिया है सी बी डी ए ई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच होल्ड ट्रू फॉर फिनाइल कीटो न्यूरिया। तो फिनाइल कीटो न्यूरिया के लिए कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इस डिजीज के लिए। देखते हैं पहला वाला जो है स्टेटमेंट दिया है ए, फिनाइल कीटो न्यूरिया इज ए सेक्स लिंक डिसऑर्डर, ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं होता है। बी है फिनाइल पाइरूविक एसिड इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड टू फिनाइल एलानिन, ये भी जो है हमारा सही नहीं है। अब आते हैं सी पे, इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द प्लियोट्रॉपिक जीन, ये सही होगा। देन डी, द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स लैक एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोलेज, तो ये भी आपका सही होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है सी और डी जो है इस डिजीज फिनाइल कीटोनूरिया के रिलेशन में ये सही है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट होगा यहाँ से सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय 4 कंडीशन दिए हुए हैं, ट्राइसोमिया, 40th क्रोमोसोम। तो 40th जो है क्रोमोसोम पे, 14th क्रोमोसोम पे ये ट्राइसोमी नहीं होता इस केस में। दिया है ट्राइसोमी ऑफ 22nd क्रोमोसोम, ये भी नहीं होता। देन ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ये होता है। और शॉर्ट आर्म ऑफ द 23rd क्रोमोसोम, ये भी नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन सी ये करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 नंबर दिया है माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड इज, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा लैक्टोबैसिलस। बाकी सारे नहीं होंगे, लैक्टोबैसिलस यूज करते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31, इसमें दिया है एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय, मतलब जो डिफिशियंसी है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है
कौन सा कंडीशन होता है जीन में जिसकी वजह से किस टाइप ऑफ म्यूटेशन या क्रोमोसोमल चेंजेस होते हैं कि ये जो है डिजीज एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी डिजीज होती है। तो चार दिया है, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, डिलीशन और डी एडिशन। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इस केस में डिलीशन होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इसमें दिया है मैच लिस्ट। मैच लिस्ट में दिया है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला लिस्ट है, दूसरा लिस्ट है उसका एग्जाम्पल है। तो मैच लिस्ट वन को टू से मैच कराते हैं। तो पहला है आपका ए दिया है कोनिडिया। कोनिडिया जो है ये पेनिसिलियम में फॉर्म होता है, तो ये तीसरा होगा। देन दिया है जेम्यूल्स। जेम्यूल्स जो है वो स्पंजस में फॉर्म करता है ये। और सी दिया है जू स्पोर्स। तो ये जो होता है ये एल्गी वगैरह में ये जू स्पोर्स पाए जाते हैं। देन दिया है बर्ड्स। बर्ड्स जो है ये हाइड्रा में होता है। तो इस तरीके से ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो हमारा ऑप्शन जो है ये डी करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराना है। तो आइए कराते हैं मैच इसको। साइट्रिक एसिड जो प्रोड्यूस करता है वो एस्परजिलस नाइजर। तो ये हमारा पांचवा होगा यहाँ पे। देन इथेनॉल जो प्रोड्यूस करता है वो उसे सैक्रोमाइसिस सर्विसी कहते हैं, मतलब जो ईस्ट होते हैं बेकर्स ईस्ट। तो यहाँ पे जो है पहला। देन सी है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये प्रोड्यूस करता है, तो ये दूसरा होगा। देन डी दिया है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स जो है ये मोनस्कस परपूरियंस ये प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया हमारा, ये मैच लिस्ट हो गया। तो इस लिहाज से जो हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है ओरल पिल्स यूज्ड बाय द फीमेल्स फॉर कंट्रासेप्शन कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ। जो ओरल पिल्स होते हैं कंट्रासेप्शन के लिए वो जो फीमेल लेती हैं उसका कॉम्बिनेशन पूछा है कि कौन से हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये होगा आपका ए, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का वो कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से कौन सा जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो ये गोनोरिया ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एड्स भी है, डायरिया नहीं है, देन सिफिलिस भी है और आपका जो है रिंग वर्म ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो हमारा जो है सी और ई है। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा यहाँ से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज स्पेसिमेन फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में कौन सा स्पेसिमेन यूज नहीं किया जाता है। तो ये हमारा चार ऑप्शन दिया है, हेयर फॉलिकल, सलाइवा, स्किन टिश्यू और डी है फूड फ्रॉम स्टमक। तो ये तीन तो इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन डी इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है द फोर लिम्स ऑफ बैट, वेल, चीता एंड ह्यूमन आर द एग्जाम्पल ऑफ। जो फोर लिम्स होता है बैट का, वेल का, चीता का और ह्यूमन का, ये किसका एग्जाम्पल है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये आपका जो है ऑप्शन जो है ये सी यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का जो है एग्जाम्पल है और ये सभी होमोलोगस आर्गन्स होते हैं। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का जो है ये एक एग्जाम्पल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे।
पार्चुरिसन इज द, ये पार्चुरिसन क्या होता है, इज द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी ऑफ फिटस, मूवमेंट ऑफ द फिटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड डी है डिस्टेंशन ऑफ यूटरस। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट होगा, पार्चुरिसन है डिलीवरी ऑफ द फिटस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, स्पैरो, स्पैरो इज ए प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट सीड्स बट बिकम्स सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स। तो स्पैरो जो गौरैया होती है, जब वो किसी माने प्लांट प्रोडक्ट को जैसे कि सीड्स वगैरह को खाती है, तो ये इस कंडीशन में ये प्राइमरी कंज्यूमर होती है। लेकिन जब वो कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म को वो खाए उसको जो है तो इस कंडीशन में वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। तो वो ऑर्गेनिज्म ऐसा होना चाहिए जो इन जो है प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट पे वो फीड करे। तो इसमें दिया है फ्रूट्स, पीज, नट्स, ये तीनों प्लांट से रिलेटेड है, तो ये नहीं होगा। डी दिया है इंसेक्ट्स, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 दिया है, विच वेराइटी ऑफ द फ्लैट बीन्स आर रेजिस्टेंट टू जेसिड्स एंड फूड बोरस। तो यहाँ पे फ्लैट बीन्स का ये वैरायटी का नाम पूछा है, जो कि इन इंसेक्ट्स के लिए जो है वो आपका रेजिस्टेंट हो। तो हमारा जो है ये सी ऑप्शन सही होगा, ये वैरायटी होती पूसा सेम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक के लिए जो है डायरेक्शन दिया गया है, और इस डायरेक्शन में लिखा है आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द डायग्राम ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। ये एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 45 तक का जो है क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो स्ट्रक्चर में दिया है इसका जो है ये पूरा जो ओव्यूल है इसका फ्यूनिकल है, ये अंदर वाला एम्ब्रियो सैक है, फिर उसके बाद न्यूसेलस है, देन इनर इंटेगमेंट एंड देन आउटर इंटेगमेंट। आइए एक एक करके इसका क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द पार्ट ऑफ द ओव्यूल विच रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। तो ये पूछा है जो जंक्शन होता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में उसको क्या कहते हैं। तो हमारा चार ऑप्शन दिए हैं, न्यूसेलस, चलाजा, हीलम और माइक्रोपाइल, तो उसे हीलम कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। द पोलन ट्यूब इंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू, जो पोलन ट्यूब होता है वो ओव्यूल के किस पार्ट से जो है वो इंटर करता है एम्ब्रियो सैक में। तो वो इंटर करता है इस माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू जो है वो इंटर करता है। तो हमारा जो ऑप्शन जो होगा 42 का जो है ये डी, ये सही होगा, माइक्रोपाइलर एंड। देन दिया क्वेश्चन 43, द एम्ब्रियो सैक इज आल्सो नोन एज, एम्ब्रियो सैक को और क्या कहते हैं, मेगास्पोर, फीमेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोरोफिल, देन डी है मेगा गैमेट। तो इसे कहते हैं बी, फीमेल गैमेटोफाइट। तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही होगा। देन 44 क्वेश्चन नंबर, टेस्टा ऑफ सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जो सीड का टेस्टा होता है वो जो ये ओव्यूल होता है उसके स्ट्रक्चर का कौन सा ये पार्ट होता है ये पूरा। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, ओवरी वाल, हीलम, आउटर इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल और डी फ्यूनिकल। तो ये जो है ये आपका जो है आउटर इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल होता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। आइडेंटिफाई द डिप्लॉयड सेल्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल। तो हमें डिप्लॉयड सेल्स को आइडेंटिफाई करना है जो ओव्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो चार ऑप्शन दिया है, आउटर इंटेगमेंट, एंटीपोडल, न्यूसेलस और सिनर्जिड्स। तो चार ऑप्शन दिए हैं,
इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चार ऑप्शन में से जो है हमारा ये ए आउटर इंटूमेंट और सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों जो है 2n मतलब ये डिप्लॉयड होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा, ए और सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। तो डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 46 टू 50 के लिए, और उनको जो है इसमें डायरेक्शन में दिया है कि रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उसको रीड करना है, अच्छे से समझना है और उसके आधार पे आंसर करना है। एक बार मैं इस पैराग्राफ को रीड कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके अपने लिहाज से पढ़ सकते हैं। दिया है, नियरली ऑल द प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन ए कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बियंट टेम्परेचर। इन एक्वेटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूड्स चेंज विद दैट ऑफ द एम्बियंट एयर वाटर ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन। दीज एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर सिंपली कन्फर्मर्स कंसिडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वी मस्ट आस्क why these conformers had not evolved to become regulators. Recall the human analogy, we used ever much as they like. How many people can really afford an air conditioner? Many simply sweat it out and resign themselves to suboptimal performance in hot summer months. Very small animals are rarely found in polar regions. During the course of evolution, the cost and benefits of maintaining the constant internal environment are taken into consideration. Some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental conditions, beyond which they simply conform. If the stressful external conditions are localized or remain only for a short duration, the organism has other alternatives for survival. तो ये मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ दिया है, अब इस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो ये रहा आपका 46 क्वेश्चन, इसमें दिया है कन्फर्मर्स आर द एनिमल्स हुज, ये पूछा है कन्फर्मर्स कौन होते हैं। तो ये चार ऑप्शन दिया है, बॉडी टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ये होते नहीं है, बॉडी टेम्परेचर इज हायर देन द एम्बियंट टेम्परेचर ये भी नहीं होगा, बॉडी टेम्परेचर इज लोअर देन एम्बियंट टेम्परेचर ये भी नहीं होगा, देन बॉडी टेम्परेचर चेंज विद एम्बियंट टेम्परेचर, जो सराउंडिंग होता है उसके चेंज होने से बॉडी टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, दिया है आइडेंटिफाई द कन्फर्मर फ्रॉम द फॉलोइंग, कन्फर्मर्स कौन होते हैं इसमें आइडेंटिफाई करना है। एलिफेंट दिया है, श्रीयूज दिया है, तो एलिफेंट ये नहीं होता है, स्त्रीज होते हैं। देन आते हैं सी ऑप्शन पे, सी दिया है ह्यूमन ये भी नहीं होते हैं और डॉग ये भी नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है ये 47 जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि जो स्त्रीज होते हैं 47 का बी करेक्ट होगा, क्योंकि जो स्त्रीज होते हैं ये कन्फर्मर्स होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, दिया है वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन्स बिकॉज दे वेरी स्मॉल मतलब बहुत कम नंबर में जो है वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन्स मतलब कि बहुत छोटे एनिमल्स जिनकी साइज क्या हो बहुत छोटी हो। तो मतलब क्या हुआ, जो पोलर रीजन्स में जो है बड़े साइज के एनिमल्स पाए जाते हैं, बिकॉज क्योंकि ए दिया है ऑप्शन आपका कैन नॉट टॉलरेट वेरी लो टेम्परेचर ये नहीं होगा, बी दिया है लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम तो ये पॉसिबल है, देन सी दिया है लूज बॉडी हीट स्लोली बिकॉज ऑफ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम ये भी नहीं होगा, देन डी दिया है लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ स्मॉलर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन जो है वो जो है बी करेक्ट होगा, क्योंकि जो जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो लूज करते हैं अपनी बॉडी हीट को,
बहुत तेजी से, क्योंकि उनका क्या होता है वॉल्यूम के रिलेटिव उनका जो सरफेस एरिया होता है बॉडी का वो जो है वो ज्यादा होता है। ऐसे देख सकते हैं इसका सरफेस एरिया जो है वॉल्यूम के रिलेटिव कम है इसका ज्यादा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 में दिया आइडेंटिफाई द एनिमल फॉर विच थर्मो रेगुलेशन इज कंपेरेटिवली एंड एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस। जो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो किस एनिमल में जो है एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। ए दिया है हमिंग बर्ड एंड फिशेस, बी दिया है स्यूज एंड फ्रॉक्स, सी दिया है फ्रॉक्स एंड फिशेस, और डी दिया है हमिंग बर्ड एंड स्यूज। तो यहां से हमारा जो है ऑप्शन जो है ये डी करेक्ट होगा, हमिंग बर्ड एंड स्यूज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है वाई इज इट दैट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मतलब 99% इवॉल्व आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है थर्मो रेगुलेशन इज यूजलेस प्रोसेस, बी दिया है थर्मो रेगुलेशन इज ए यूजफुल प्रोसेस, सी दिया है थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, और डी दिया है थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली फ्यूगल प्रोसेस। तो जो यहाँ से जो ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही होगा, ये सी होगा, क्योंकि जो थर्मो रेगुलेशन जो है वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है खर्च होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक को हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चन पेपर को लेके आएंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो अपना जरूर वैल्यूएबल सजेशन और कमेंट दीजिएगा। थैंक यू।